मैं फाल्गुनी कटले कक्षा 10वीं से पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बड़ियना कला बरखाट सिवनी एमपी से हूँ। मैं वीरगाथा प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार की हूँ। उसका विषय है रानी लक्ष्मीबाई मेरे सपने में आई और वह चाहती थी कि मैं अपने देश की सेवा इस प्रकार करूँ। सपने अक्सर अंतर्मन की चेतना को जागृत और परिचित्रित करते हैं और उन्हें वास्तविकता में परिलक्षित करने की अवधारणा भी रखते हैं। मैंने कुछ दिन पूर्व एक सपना देखा और उसमें एक दिव्य ऐतिहासिक व्यक्तित्व जिनका चरित्र हमें बताता है कि आदम्य साहस समर्पण राष्ट्रीय प्रेम का परिचय देता है। वह व्यक्तित्व है नासी की रानी लक्ष्मीबाई। उनका मेरे स्वप्न में आना सिर्फ एक सोच नहीं है अपितु एक दिव्य चेतना है जो कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के द्वारा देश सेवा में संबंधित है। मेरे इस सपने की सार्थकता सिर्फ किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की प्रशंसा करना नहीं है बल्कि इस सपने की सार्थकता यह समझने की है कि उनका व्यक्तित्व हमें किस प्रकार समाज को और अच्छा बनाने में सहायता कर सकता है। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी के नाम से विख्यात है, हम सभी जानते हैं कि उन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सत्ता में उन्मूलन के लिए आदम्य साहस और समर्पण से दिखाते हुए भारतीय समाज की संप्रभुता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और उनका चरित्र हमें दमन और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सदा प्रेरित करता रहता है। हमने उनके बारे में सुना है कि बुंदेलो खरगोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई का चरित्र शक्ति और समर्पण से प्रदर्शित करता है। वर्तमान परिवेश हर महिला में व्यक्तित्व में परिलक्षित होना चाहिए। मेरे सपने में रानी लक्ष्मीबाई का आना यह इंगित करता है कि आज की नारी को आत्मरक्षा और नेतृत्व जैसे गुणों में दक्ष होना कितना जरूरी है। मेरा यह सपना महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को परिलक्षित करता है। उनका चरित्र सिर्फ दिखावट या काल्पनिक नहीं है अपितु उनका चरित्र वर्तमान परिवेश में लिंग भेद जैसी सभी विकारों का समाधान दे देता है। नारी सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता। यह बात सत्य है कि हमने अनेक नियम कानून बनाए हैं और जागरूकता अभियान भी चलाए हैं, फिर भी महिलाएं और लड़कियों को शोषण और असमानता का शिकार है। और स्वप्न में रानी लक्ष्मीबाई मुझसे कहती हैं कि किसी महिला की संवेदनाएं भले ही कोमल हो लेकिन उनका विचार दृढ़ होना चाहिए। अ वुमन विथ अ वॉइस इज बाय डेफिनेशन अ स्ट्रॉन्ग वुमन। यह सपना सम्मान है रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को, जो पथ उन्होंने प्रशस्त किया उस पथ पर सक्रिय रहकर हम महिला रूपी सामाजिक धुरी को उसके केंद्र से बाहर न निकालें, अन्यथा जो सामाजिक असंतुलन की जो स्थिति उत्पन्न होगी उसका समाधान नहीं होगा। अंत में मैं अपने स्वप्न का सार यह कह के बताना चाहूँगी कि हम एक ऐसा समाज निर्मित करें जहाँ पर महिला के प्रति असमानता और शोषण की कोई जगह ना हो, जहाँ कोई भी महिला अगली निर्भया ना बने और जीवन की हर विषम परिस्थिति में वह महारानी लक्ष्मीबाई की तरह अपने शत्रुओं का विनाश करे। धन्यवाद।